जी, ये अभी तक 12 पार्टिसिपेंट हुए हैं, बाकी कहाँ चले गए? लो भी, इतफाक ऐसा हुआ कि मैं असल में परेशान था। मैंने कहा यार वो मुझे मिल नहीं रहा जो मैंने वन पेजर बनाया हुआ था, तो मैं शायद कल अपलोड करता, लेकिन वो इतफाक ऐसा हुआ कि आज ही जो है वो मिल गया। तो अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि टैक्स कैलकुलेशन होती कैसे है, किन चीजों पे होती है, किस लिए होती है और किस तरह होती है। ठीक है, ये मैं अपलोड भी कर दूंगा बाद में आपके उस पे। और ये हमारा एक चार्ट है, जो कंट्रोल चार्ट आप कह लें, कि जिसके जरिए हमने जो है वो चीजों को कंट्रोल करना। ठीक है, तो जनाब अब कोई वेटिंग में तो नहीं रह गया? पंद्रह पार्टिसिपेंट हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देख रहे थे कि हम शुरू करते हैं दोबारा, कि मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने आपसे कहा था ये मैं कल दूंगा आपको, लेकिन अब चूंकि मुझे मिल गया तो चलें लेट्स लुक एट दिस। हमने बात की एक पर्सन पे टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही है, यस एक सर। टैक्स ईयर के लिए लगना चाहिए, टैक्सेबल इनकम पे लगना चाहिए, और क्या लगना चाहिए? टैक्स लगना चाहिए। यस ये हमने कहां से पढ़ा था? ये हमने यहां पढ़ा था, इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर एट द रेट और रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन वन वन बी और टू ऑफ पार्ट वन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एज द केस मे बी ऑन एवरी पर्सन हु हैज अ टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अभी हम सब सेक्शन वन पढ़ रहे हैं, सेक्शन फोर का। फिर दूसरे सेक्शन में वो सब सेक्शन में वो यानी सेक्शन फोर के सब सेक्शन टू में वो कहता है द इनकम टैक्स पेबल बाय द टैक्स पेयर फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी कंप्यूटेड। कैसे कंप्यूट होगा? बाय अप्लाइंग द रेट्स रेट और रेट्स ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू अ टैक्स टू द टैक्स पेयर अंडर दिस ऑर्डिनेंस टू द टैक्सेबल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर फॉर द ईयर। यानी टैक्स पेयर की टैक्सेबल इनकम लेनी है फॉर द ईयर और उस पर रेट मल्टीप्लाई कर देने हैं। ठीक है, जो एप्लीकेबल होंगे एंड फ्रॉम द रिजल्टिंग अमाउंट जो भी रिजल्ट आएगा बी सब्सट्रैक्टेड एनी टैक्स क्रेडिट्स अलाउड टू द टैक्स पेयर फॉर द ईयर। वो जो भी अमाउंट आपकी निकलेगी टैक्स की, उसमें से आपने क्या करना है? टैक्स क्रेडिट्स निकाल देने। ठीक है, तो अब होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे का जो है, आपने क्या किया कि जी आपने पहले उसकी टोटल इनकम निकाली, फिर उसमें से टैक्सेबल इनकम निकाली, फिर टैक्सेबल इनकम पे रेट लगाए, टैक्स आ गया, उसमें से टैक्स क्रेडिट माइनस कर दिए। जब टैक्स क्रेडिट माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? क्या बचेगा? जो नेट पेबल या रिसीवेबल होगा वो रिफंडेबल होगा। ठीक है, अब लेकिन उसमें क्या है कि अगर एक साल एक बंदे को एक से ज्यादा टैक्स क्रेडिट अलाउ हो रहे हो, ठीक है, टैक्स तो आपने कैलकुलेट कर लिया, टैक्स क्रेडिट आपने अलाउ करना है, अगर एक से ज्यादा टैक्स क्रेडिट अलाउ हो रहे हो तो सब सेक्शन थ्री डील करता है। वो कहता है कि फॉरन टैक्स क्रेडिट आपको सबसे पहले देना है, उसके बाद आपने जो पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 3 उसका क्रेडिट देना है, फिर उसके बाद आपने जो है सेक्शन 147 और 168 का टैक्स क्रेडिट देना है। तो ये टैक्स क्रेडिट आपने इस ऑर्डर में देने हैं। सर्टेन क्लासेस ऑफ इनकम जो हैं उनके ऊपर आपने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तौर पे टैक्स करना। अब वो सेक्शन 5, 6 और 7 में, अगर सेक्शन 4 देखें, ये इसका सब सेक्शन 4, सेक्शन 4 का सब सेक्शन 4 ये कहता है सर्टेन क्लासेस ऑफ इनकम
including the income of certain classes of persons may be subject to separate taxation as provided under section 5, 6 or 7 and 7 or collection of tax under division 2 of part 5 of chapter 10 or deduction of tax under division 3 of part 5 of chapter 10 as final tax. अब देखिए ये सारी बातें आपको के सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम क्या है, फिक्स्ड और फाइनल टैक्स रिजीम क्या है, नॉर्मल टैक्स रिजीम क्या है, ये सारी बातें मैं अब आपको आगे जाके बताऊंगा। पहले आप ये सेक्शन थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बाद हम उस पे आ जाएंगे, वो जो मैंने आपको एक पेज देना है। इनकम रेफर टू इन सब सेक्शन 4 शैल बी सब्जेक्ट टू टैक्स एज प्रोवाइडेड फॉर इन सब इन सेक्शन 5, 6 और 7 of part 4 of the chapter 10 as the case may be and shall not be included in the computation of taxable income in accordance with section 8 or section 169. ye jo teen section hai 5 6 aur 7 ye separate block ke taur pe tax honge aur na ye fixed income mein shamil honge na ye normal income mein shamil honge, inki taxation hi alada hai, theek hai, ye in teen sections ki taxation 5 और 6 और 7 की टैक्सेशन अलहदा है और इसको क्या कहेंगे, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ठीक है। वेयर बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस द इनकम टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स और कलेक्टेड और पेड इन एडवांस इट शैल एज द केस मे बी सो डिडक्टेड कलेक्टेड एंड पेड अकॉर्डिंगली। कि अगर आपने इनकम टैक्स डिडक्ट करना था सोर्स पे, कलेक्ट करना था, एडवांस देना था, जो भी केस था, तो वो आपको जैसे बताया गया है वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। लो जी सेक्शन 4 खत्म हो, सेक्शन 4 तमाम फसाद की जड़ है, सारी चार्जिंग सेक्शन चूंकि ये है तो सारा कुछ यहीं पे है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने इस फ्लो चार्ट। देखिए सबसे पहली चीज ये है कि एक पर्सन है, उस पर्सन की एक टैक्स ईयर के लिए टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगेगा। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये इससे निचला, उससे निचला और उससे निचला, ये चार, और पांचवा है कि जब टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो टैक्स क्रेडिट अलाउ करेंगे आप, ठीक है। यहां तक अगर आपको बात समझ आ रही है जो हम पढ़ के आए हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं फिर ये क्या। जी सर, ये टैक्स क्रेडिट का नहीं पता चला ऊपर तक यार, अभी उसको समझने की जरूरत नहीं, वो तो जब हम टैक्स क्रेडिट पढ़ेंगे तो तब जाके पढ़ेंगे ना। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, सीक्वेंस समझ में आ गया ना। एक पर्सन है, उसके टैक्स ईयर के लिए उसकी टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगाना है और उसे टैक्स क्रेडिट माइनस कर देने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये नीचे 5 डब्बों तक आपको समझ आ रही है बात, कि जो हमने पढ़ा था वो डब्बों की शक्ल में ये लिखा हुआ। यस सर। ओके फाइन, अब हम आ जाते हैं, देखें जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पर्सन को, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पर्सन, पर्सन को। पर्सन जो है, जब हम जाके पढ़ेंगे सेक्शन 80 में, तो पर्सन दो किस्म के हो सकते हैं, कौन कौन से, या पर्सन होगा रेजिडेंट और या पर्सन होगा नॉन रेजिडेंट। वेरी गुड। अच्छा देखो एक बात मैं आपको बताऊं, आम हालात में होता है नेशनल और नॉन नेशनल या एलियन, फॉरेन एलियन जिसे कहते हैं, ठीक है, ऐसा ही है, आप यही कहते हैं ना, अमेरिकन नेशनैलिटी मिल गई मुझको, ग्रीन कार्ड मिल गया मुझको, कैनेडियन नेशनैलिटी मिल गई, मैं पाकिस्तानी नेशनल हूं, यही बोलते हैं ना। यस सर। लेकिन टैक्स में नेशनैलिटी वाइज हम नहीं चलते, टैक्स लगता है रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर, और टैक्स में दो हिस्सों में तकसीम किया गया पर्सन को, या वो रेजिडेंट होगा और या वो नॉन रेजिडेंट होगा, ठीक है।
यस सर, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हम यूं कहें कि बुनियादी तौर पर इंसान को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, या वो मर्द होता है या वो औरत होती है, ठीक है। इसी तरह टैक्स में, टैक्सेशन के लिए दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, या वो रेजिडेंट होगा पर्सन या वो नॉन रेजिडेंट होगा। अच्छा, लेकिन इसके अलावा हमने एक और भी किस्म बनाई हुई है, बच्चा है, जवान है और बूढ़ा, ठीक है ना, है ना ऐसे? यस सर। सर वो ट्रांसजेंडर्स नहीं आएंगे? नहीं वो नहीं आएंगे, वो छोड़ दो, तुम्हारा मुझे इंटरेस्ट सही नहीं लग रहा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये जो अब इसके पर्सन के राइट साइड पे आप देखें, तो अब वो कैटेगराइजेशन है, रेजिडेंट में भी ये होंगे और नॉन रेजिडेंट में भी ये होंगे, या वो इंडिविजुअल होगा, या वो कंपनी होगी, एओपी होगी, ठीक है, और या वो फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ एनी फॉरेन गवर्नमेंट हो, ठीक है, ठीक हो गया। तीन किस्म के ये बंदे हो सकते हैं, ये या रेजिडेंट होंगे और या नॉन रेजिडेंट, ठीक है। अब ये कब रेजिडेंट होंगे, एक बात आपको मैं बता दूं कि कुछ लोग जो हैं, मतलब जैसे कंपनी है, उनका रेजिडेंशियल स्टेटस या एओपी का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो डिटरमिन होता है कंट्रोल से, कि उनका दिमाग कहाँ पे है, ठीक है, इससे डिटरमिन होता है दिमाग से, यानी उनके फैसले कहाँ पे होते हैं, उनका बोर्ड कहाँ पे बैठता है। और जो इंडिविजुअल होता है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन होता है उसके नंबर ऑफ डेज पाकिस्तान में कितने थे उससे, ठीक हो गया। तो जनाब आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी। अभी हमने सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि पर्सन रेजिडेंट भी हो सकता है, पर्सन नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, एक पर्सन एक साल के अंदर अंदर कुछ अरसे के लिए रेजिडेंट था, बाकी के लिए नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, या कुछ के लिए नॉन रेजिडेंट था और बाकी के लिए रेजिडेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब वो कब तक रेजिडेंट था और कब नॉन रेजिडेंट, और जब रिटर्न फाइलिंग का टाइम आता है तो वो क्या कंसिडर होगा, ये सारी बातें हम बाद में देखेंगे। एक कंपनी जो है वो कब रेजिडेंट होगी, कब नॉन रेजिडेंट होगी, एओपी कब रेजिडेंट होगी, कब नॉन रेजिडेंट होगी, ठीक है, क्या क्या चीजें कंपनी की डेफिनेशन में शामिल हैं, एओपी की डेफिनेशन में क्या शामिल है, फॉरेन गवर्नमेंट कौन है, लोकल गवर्नमेंट कौन है, पॉलिटिकल सब डिविजन क्या हैं, ये अब हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू करेंगे। अब ये वाला आपके सामने एक स्केल होगा, और इस स्केल में अगर जब आप देखेंगे तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको और भी एक्सप्लेन कर दूं, इसमें आप ये देखें कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नॉर्मल टैक्स रिजीम, फिक्स फाइनल, प्रिजम्प्टिव टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम, शेड्यूलर असेसमेंट, और इसमें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी आ जाएगी, वो जो 5-6 वाली है, ठीक है, वो यहाँ नहीं लिखी भी मैंने, वो लिख दी। अच्छा, दूसरे ये है कि ऑन टैक्सेबल इनकम के पास अगर आप ये नीचे जाएं तो ये आपको नजर आ रहा होगा, हेड्स ऑफ इनकम में सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। ये बात आप याद रखें, जितनी भी टैक्स कैलकुलेशन करनी है हम, जितनी भी टैक्स कैलकुलेशंस होनी है, उसमें या सैलरी इनकम होगी, या प्रॉपर्टी इनकम होगी, या बिजनेस इनकम होगी, या कैपिटल गेन होंगे, और अगर इन चारों में से कुछ नहीं होता तो बाकी सब उठा के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल दें, ठीक है। तो ये आपका जो है चार्ट, इसके इसको साथ रखेंगे और फिर एक एक करके चीज पढ़ते चले जाएंगे कि सैलरी की अगर इनकम बनानी है कैसे होगी, प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करनी है कैसे होगी, बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, कैपिटल गेन्स कैसे कैलकुलेट होंगे। अब ये मैं आपको सब जो बिजनेस इनकम है वो सबसे एंड पे कराऊंगा, क्योंकि सबसे छोटे जो है ना ये है सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम बिजनेस सबसे एंड पे करेंगे हम। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह
कि हम लोग अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे. ठीक है, ये वाला जो चार्ट है.